हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा न्यू पैटर्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार एसबीआई पीओ में और एसबीआई क्लर्क में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड पूछे गए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चंस काफ़ी यूजफुल रहेंगे फोर्थ कमिंग सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे IBPS PO के लिए और IBPS क्लर्क के लिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ये क्वेश्चंस हैं और हाईली यूजफुल ये क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया है ये रेड कलर में, कंसीडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज एयरलाइन कैन राइज इन प्राइसेस। देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या है। ये आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपको राइज और रेज, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, राइज का मतलब होता है उठना या उगना या निकलना या ऊपर उठना, जबकि रेस का मतलब होता है उठाना। ठीक है, तो राइज जो एक्टिविटी है ये अपने आप होती है, रेस एक्टिविटी किसी व्यक्ति के द्वारा की जाए, यानी ये पॉजिटिव वर्ब है। तो ये अंतर है राइज और रेज में। अब यहां पर देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कंसीडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज के लिए फ्लाइट्स की हाई डिमांड है, इसलिए एयरलाइंस क्या कर सकती हैं, एयरलाइंस प्राइस को बढ़ाएंगी या घटाएंगी। एयरलाइंस डेफिनेटली जब डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है तो उसकी उसकी प्राइस को बढ़ाएंगी, लेकिन एयरलाइंस बढ़ाएंगी उसकी प्राइस को, प्राइस अपने आप नहीं बढ़ेगी। तो इसमें राइज वर्ड नहीं आएगा, इसमें रेज वर्ड आएगा, और चूंकि बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है इसलिए मे वर्ड आएगा। तो ये है अप्लाइड ग्रामर, और इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस को आपसे पूछता है। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा मे रेज, राइज वर्ड नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर होगा इसका सी, इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आपको ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे हों, लेकिन कभी कभी काफ़ी कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन होते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर इन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। विदाउट बोथ इशू इज क्लैरिफाइड द बोर्ड विल कीप ऑल अदर मैटर्स बिफोर इट पेंडिंग। पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस ये कह रहा है कि जब तक ये बोथ इशूज, ये दोनों इशूज क्लैरिफाइड नहीं हो जाते, तब तक बोर्ड क्या करेगा, सारे दूसरे जो मैटर्स हैं, सारे दूसरे जितने भी इशूज हैं उनको पेंडिंग रखेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक कंडीशन की बात हो रही है कि जब तक ऐसा नहीं होगा ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। तो चूंकि इसमें एक जनरल कंडीशन की बात हो रही है, तो इसमें हम विदाउट का प्रयोग ना करते हुए इसमें हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनटिल का प्रयोग इसमें नहीं होगा, क्योंकि अनटिल टाइम रिलेटेड कंडीशन के लिए आता है, अनलेस जनरल कंडीशन के लिए आता है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है। हाँ, अनलेस इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली अनलेस आएगा यहाँ पर। ठीक है, और अनलेस के बाद चूंकि यहाँ पर बोथ दिया है, इसलिए इसके बाद आने वाली जो नाउन होगी यहाँ पर ये प्लूरल में आएगी। बोथ अपने साथ प्लूरल नाउन को लेता है, और चूंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है इसलिए ये जो वर्ब है ये आर आएगी, इज नहीं आएगी। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है, अनलेस बोथ इशूज आर क्लैरिफाइड। देखिए, ये कंडीशन के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में। तीन तरह की कंडीशन होती हैं, एक होती है ओपन कंडीशन, एक होती है इमेजिनरी कंडीशन, एक होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसमें हैड और वुड हैव का हम प्रयोग करते हैं। तो ये नंबर वन वाली कंडीशन है, ओपन कंडीशन है ये, इसमें अनलेस और अनटिल का हम प्रयोग करते हैं। अनलेस बोथ इशूज आर क्लैरिफाइड, देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट है कंडीशन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट, और ये वाला पार्ट है रिजल्ट वाला पार्ट। तो इसमें कंडीशन वाला जो पार्ट है, इसमें दो तीन चीज़ें समझनी है आपको। इस कंडीशन वाले पार्ट को हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। यदि ये पैसिव वॉइस है तो इसमें फिर इसको इजमआर और V3 के साथ हम लिखते हैं, चूंकि ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है इसलिए इसमें हमने इसको इजमआर के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखा है। नॉर्मली इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है ये, लेकिन इसका पैसिव वॉइस वर्जन है ये। तो इसका सही आंसर यहां पर होगा अनलेस बोथ इशूज आर क्लैरिफाइड द बोर्ड विल कीप ऑल अदर मैटर्स बिफोर इट पेंडिंग।
जब तक ये दोनों इश्यूज क्लैरिफाई नहीं हो जाते, क्लियर नहीं हो जाते, बोर्ड क्या करेगा, दूसरे मैटर्स को अपने सामने पेंडिंग रखेगा, ठीक है। तो सही इसमें आंसर होगा ए। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, और अप्लाइड ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। थ्योरेटिकल ग्रामर नहीं पूछी जाती, अप्लाइड ग्रामर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए अब हम देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन। द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्लियरली इसमें एडवर्ब है, हाईलाइटेड इसमें वर्ब है, ठीक हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इंसिडेंट इसमें सब्जेक्ट है। द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड हिज नॉलेज एंड, अब देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ अपने सभी वीडियो क्लासेस में कि एंड जो जोड़ता है ये इक्वल एंटिटीज को जोड़ता है, क्योंकि यहां पर नॉलेज है और नॉलेज क्या है, नाउन है, तो एंड के बाद यहां पर जो एंटिटी जुड़ेगी वो भी नाउन ही जुड़ेगी। अटेंटिव नाउन नहीं है, अटेंटिव एडजेक्टिव है। अटेंटिव का मतलब होता है जागरूक होना, सावधान होना, अटेंशन में होना। तो नाउन फॉर्म इसकी क्या होगी, इसकी नाउन फॉर्म होगी अटेंशन। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, इसके ऑप्शंस में क्या क्या मिला है, क्या अटेंशन इसमें है, हाँ अटेंशन है इसमें, लेकिन अटेंशन के इसमें दो वेरिएंट दिए गए हैं, अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन फॉर डिटेल। लेकिन जो सही फ्रेज होता है वो होता है अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू डिटेल, ये होता है इसका सही फ्रेज। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड, इस इंसिडेंट ने उसकी नॉलेज और डिटेल के प्रति उसका जो अटेंशन होता है, वो छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों चीज़ों की उसकी जो अवेयरनेस, उसकी नॉलेज है, इस चीज़ को इस इंसिडेंट ने हाईलाइट किया है। द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड वॉट हिज नॉलेज एंड अटेंशन टू डिटेल। तो अटेंशन टू डिटेल यानी सी इसमें आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द बैंक्स accumulated losses have come up for manageable level this year. देखिए दो फ्रेज होते हैं, एक होता है लेवल पर आने के लिए। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, ये हैं इसके ऑप्शंस। अब देखिए कम अप फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए एलिजिबल होना। शी इज कमिंग अप फॉर इलेक्शन दिस ईयर, वो चुनाव लड़ेगी इस साल, ठीक है। कम अप फॉर किसी चीज के लिए एलिजिबल होना, और लेबल्स पर जब कोई चीज़ आती है तो उसके लिए हम कम टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कम टू का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी लेबल को ऑप्टेन करना, अचीव करना। तो यहाँ पर कम टू सही आंसर होगा। द बैंक्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैव कम टू मैनेजेबल लेबल्स दिस ईयर, मतलब कंपनी के, बैंक के जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं सारे मिला के, एक्यूमुलेटेड मतलब सारे मिला के जो लॉसेस हैं वो मैनेजेबल लेवल पर आ गए हैं इस साल, उनको मैनेज किया जा सकता है। तो यहां पर कम टू आपका सही आंसर होगा, और कम फॉर यहां पर ये गलत होगा, यहां पर आपका सही आंसर होगा कम टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस वीडियो क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहां पर क्लियर होंगे। इंप्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम विच इज वन ऑफ द वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट, जैसे हम वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं, जैसे सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, उसी तरीके से वन ऑफ द वर्स्ट, बेस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम, वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब। तो वन ऑफ द वर्स्ट कहना सही है, ये गलत फ्रेज नहीं है, ये सही है, और यहां पर आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। वन ऑफ द वर्स्ट और वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द डार्केस्ट, ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं ये आपके सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ स्टूडेंट अरेस्टेड फॉर डिस्प्लेइंग एन इंडिसेंट आर्ट वर्क इन पब्लिक, एक स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया, ये वॉच के साथ इसमें ये थर्ड फॉर्म लगी है, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज आया है, अरेस्टेड थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। एक स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया, किस लिए अरेस्ट किया गया, क्योंकि उसने डिस्प्ले किया, उसने दिखाया, क्या दिखाया, इनडिसेंट आर्ट वर्क। तो आर्ट वर्क जो है ये तो नाउन है, नाउन को हम मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव से, आर्ट वर्क ये किसी चीज़ का नाम है, ये नाउन है, इसको हम मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव से। क्या ये एडजेक्टिव है, क्या एलवाई वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, एलवाई वाले जो वर्ड हैं वो नॉर्मली एडवर्ब होते हैं, तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह इसको लिखा गया है, इसमें सही होना चाहिए एन इनडिसेंट आर्ट वर्क। आर्ट वर्क कैसा था, इनडिसेंट था,
अशोभनीय था, अश्लील था। तो सही यहां पर आंसर होगा इनडिसेंट, एन लगा हुआ है इसलिए इनडिसेंट यहां पर सही है। तो इनडिसेंट यहां पर आपका सही आंसर होगा, ए इसमें सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ही डिड नॉट लाइक मी टू स्मोकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर यस्टरडे, मतलब ही डिड नॉट लाइक मी टू स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर यस्टरडे, कल जब मैं अपने टीचर के साथ स्मोकिंग कर रहा था, टीचर के सामने स्मोकिंग कर रहा था, तो उसको ये चीज पसंद नहीं आई। देखिए लाइक जो वर्ड है ये कई तरीके से यूज होता है, ये वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, प्रपोजिशन की तरह भी यूज होता है। ही डिड नॉट लाइक वॉट, ठीक है, ही डिड नॉट लाइक समथिंग, समथिंग मीन्स के यहाँ पर नाउन चाहिए और जो जेरेंड फॉर्म होती है वो नाउन होती है। तो यहाँ पर स्मोकिंग तो सही है, लेकिन स्मोकिंग नाउन से पहले हम कौन सा केस लगाते हैं? जैसे अगर मैं बुक, जैसे मैं बोलूँ बुक, तो बुक से पहले आप क्या लिखेंगे, माई बुक लिखेंगे या मी बुक लिखेंगे? डेफिनेटली माई बुक लिखेंगे। तो स्मोकिंग एक्चुअली जेरेंड फॉर्म है, ये नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ पर ये मी ना होते हुए ये होना चाहिए माई। ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका माय स्मोकिंग, ही डिड नॉट लाइक माय स्मोकिंग, ही डिड नॉट लाइक व्हाट, ही डिड नॉट लाइक स्मोकिंग, लेकिन स्मोकिंग किसकी थी, माय स्मोकिंग। तो यहां पर आपका बी आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड परमिशन टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दी है, सेंक्शन कर दी है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ग्रांटेड वॉट परमिशन, परमिशन के बाद हम टू का प्रयोग ही करते हैं, मतलब इसमें टू प्लस बी वन ही लगाते हैं, परमिशन टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट, प्रोसिक्यूट मतलब उसको सजा देना या उसको पिनलाइज करना। द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड परमिशन टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट, ऑप्शन क्या दिए हैं, ग्रांटेड परमिशन टू प्रोसिक्यूशन नहीं आएगा, ग्रांटेड सेंक्शन टू नहीं, नहीं, इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सही है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द सीनरी अराउंड द हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज क्वाइट पिक्चर्स्क एंड, देखिए ये जो है ना इसका मतलब होता है दर्शनीय या देखने लायक, और ये वर्ड जो है पिक्चर्स ये एडजेक्टिव है, और अभी मैंने बताया था कि एंड से हम इक्वल एंटिटी को जोड़ते हैं, तो एंड के बाद यहां पर जो वर्ड आएगा वो भी एडजेक्टिव होगा। क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं, एंजॉयड एडजेक्टिव नहीं है, ये तो वर्ब फॉर्म में है, ठीक है। एंजॉयबिल, एंजॉयबिल जिसमें बिल लगा होता है, बी एल ई बिल, बी एल ई, तो ये सारे होते हैं एडजेक्टिव, तो इसमें आ जाएगा आपका क्वाइट पिक्चर्स एंड एंजॉयबिल, ये इसमें सही आंसर आपका होगा, ठीक है। और पिक्चर्स चूंकि एडजेक्टिव है इसलिए इससे पहले एडवर्ब आएगा क्वाइट, क्वाइटली नहीं आएगा, क्वाइट ही सही है यहाँ पर, क्वाइट पिक्चर्स एंड एंजॉयबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद इन 3 ईयर्स ही डेमोन्स्ट्रेटेड अ ड्रामेटिक इम्प्रूव्ड बिजनेस परफॉर्मेंस, देखिए बिजनेस परफॉर्मेंस एक नाउन है, किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम, बिजनेस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो परफॉर्मेंस नाउन है, बिजनेस एडजेक्टिव है, दोनों मिला के ये एक नाउन एंटिटी बन रही है, और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव इम्प्रूव्ड, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा यहाँ पर एडवर्ब। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन कैसी इम्प्रूव्ड, किस तरीके की इम्प्रूव्ड, तो यहाँ पर होना चाहिए आ ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड बिजनेस परफॉर्मेंस, और ए ही आएगा इसमें, चूंकि हम इसको पर्टिकुलराइज तो कर नहीं रहे, हम एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलराइज का केस ये नहीं है, तो यहां पर होगा आ ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन क्विक टाइम शी गॉट एक्वेंटेड विद द न्यू एनवायरमेंट, बहुत जल्दी ही वो नए एनवायरमेंट के साथ परिचित हो गई। एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना, और इसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं, एक्वेंटेड विद, एक्वेंटेड विद, ठीक है। इसमें ऑप्शंस क्या हैं? देखिए इन क्विक टाइम गलत फ्रेज है, सही होता है इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक, इन नो टाइम, तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द एथलीट कैन बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन हिज ओन रिकॉर्ड. देखिए वॉज से हमें पता पड़ रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस में हम लिखेंगे. ये क्लियर था कि एथलीट जो है वो अपने ही रिकॉर्ड को इम्प्रूव करेगा, यानी विल बी यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन विल बी का जो पास्ट वर्जन होता है वो होता है वुड बी. तो वुड बी एबल टू यहाँ पर सही होना चाहिए. वुड बी एबल टू का ऑप्शन है, तो इसमें आंसर होगा आपका वुड बी एबल टू. सी इसमें इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. ही इज अ वेरी लेजी पर्सन एंड हेट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क. देखिए ही सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हेट ना बोलते हुए हम बोलेंगे हेट्स. डूइंग सही है, हेट के बाद हम आईएनजी फॉर्म लेते हैं, तो हेट्स डूइंग का ऑप्शन इसमें आएगा. हेट्स डूइंग का ऑप्शन इसमें है, इसमें है, इसमें आपका आंसर होगा डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. शी ओपन द डोर एज शी न्यू. एज का मतलब है यहाँ पर बिकॉज, रीजन के लिए बता रहे हैं. उसने दरवाजा खोला क्योंकि वो उसको जानती थी. क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है ओपन्ड, तो इसको भी हम पास्ट में ही लिखेंगे. यहां पर इसको हम लिखेंगे न्यू. तो यहां पर सही आंसर होगा आपका सी, एस शी न्यू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. उषा कुड नॉट थिंकिंग. देखिए जितने भी ये मॉडल वर्ब होते हैं, कुड नॉट, मे नॉट, मस्ट, ये अपने साथ लेते हैं फर्स्ट फॉर्म. कुड नॉट थिंक इसमें हम बोलेंगे, कुड नॉट थिंकिंग नहीं बोलेंगे. इसमें सही आंसर होगा आपका ए. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. आ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस इज, देखिए देन के साथ तो हम बेटर ही लगाएंगे, बेस्ट तो हम नहीं लगाएंगे, तो इज बेटर देन यहां पर सही होगा. तो सही आंसर होगा इसमें बी. अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस इज बेटर देन अ बिजनेस फाउंडेड ऑन फ्रेंडशिप. मतलब ऐसी फ्रेंडशिप जो बिजनेस के ऊपर बेस्ड है वो अच्छी होती है, ऐसे बिजनेस से जो फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड होता है, बी इसमें सही है. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. द क्राउड विच हैज गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन स्लोली रिटर्न टू देयर होम. क्या मतलब है इसका कि जो भीड़ इकट्ठी हुई थी डिसीजन के खिलाफ, डिसीजन के खिलाफ बोलने के लिए, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, वो भीड़ थोड़ी देर बाद वहां से सॉरी चली गई. तो पहले क्या हुआ है, पहले भीड़ इकट्ठी हुई है, उसके बाद वो भीड़ अपने घर को वापस गई है. तो पहले एक्शन कौन सा हुआ है? एक्चुअली इसमें दो एक्शन हुए हैं पास्ट में, एक भीड़ अपने घर को गई है और एक भीड़ इकट्ठी हुई है. तो ऑब्वियसली इसमें पहला एक्शन कौन सा होगा? पहला एक्शन होगा भीड़ इकट्ठी होना. तो पहले एक्शन को हम किस में लगाएंगे, किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो विच हैज गैदर की स्थान पर इसमें होना चाहिए विच हैड गैदर्ड, विच हैड गैदर्ड, ए इसमें आपका सही आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. द ब्रिज इन कनेक्शन विद द टू सिटीज विल रिमेन क्लोज्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन. मतलब यहां पर सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ऐसा ब्रिज, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रिज की इसमें बात हो रही है, एक ऐसे ब्रिज की इसमें बात हो रही है जो दो सिटीज को जोड़ता है, वो बंद रहेगा. किस लिए बंद रहेगा? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो बंद रहेगा. इन कनेक्शन विद हम नेगेटिव सेंस में लगाते हैं कि जैसे ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द थेफ्ट, चोरी के आरोप में, चोरी के संबंध में उसको गिरफ्तार किया गया. तो इस सेंस में हम इन कनेक्शन विद लगाते हैं. यहां पर हमें बोलना चाहिए द ब्रिज That connects, the bridge that connects. यदि that connects आप नहीं बोलना चाहते तो फिर आप बोल सकते हैं the bridge connecting the two cities, the bridge connecting the two cities. तो इसमें आपका D इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा. In connection with नहीं, in connection with गलत uses है. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. Newspaper have great power because their enormous circulation. न्यूज़पेपर में एक अच्छी पावर होती है क्योंकि उनका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज एक कनेक्टर होता है और कनेक्टर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो इक्वल एंटिटीज को जोड़ता है. लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस है और यहाँ पर ये नाउन है, इन दोनों को ये नहीं जोड़ पाएगा. लेकिन यदि प्रपोजिशनल फ्रेज इसका हम यूज़ करें बिकॉज ऑफ, तो इसको जोड़ा जा सकता है क्योंकि ऑफ के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं और इनॉर्मस सर्कुलेशन जो है ये नाउन है.
तो इसमें बिकॉज ना लिखते हुए हम लिखेंगे इसमें बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां पर नाउन दी है तो इसलिए बिकॉज का प्रयोग गलत होगा यहां पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20th। बिसाइड्स क्रिटिसिज्म ऑफ सम सुपरवाइजर्स द चेयरमैन स्टिल कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज, मतलब क्रिटिसिज्म के बावजूद, बिसाइड्स क्रिटिसिज्म ऑफ सम सुपरवाइजर द चेयरमैन स्टिल कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय, चेयरमैन को अभी भी रिस्पेक्ट मिलता है अपने एम्प्लॉय से, हालांकि उसको कुछ आलोचना मिली है सुपरवाइजर से, तो इसके बावजूद का सेंस यहाँ पर डालना है। इसके बावजूद का सेंस डालने के लिए इसमें हम या तो आप इन स्पाइट ऑफ बोल सकते हैं या डिस्पाइट बोल सकते हैं। डिस्पाइट जो इक्वल होता है वो होता है इन स्पाइट ऑफ के, और अपने साथ ये नाउन फॉर्म लेता है। तो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम, ये एक्चुअली फ्रेज सही है, क्योंकि सुपरवाइजर से उसको आलोचना मिली है ना, सुपरवाइजर से उसको आलोचना मिली है। तो डिस्पाइट के बाद फिर नाउन और नाउन के बाद फ्रॉम, ये सही है। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम, ये जो फ्रेज है ये यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बीइंग एज आई एम ए रियलिस्ट आई कुड नॉट एक्सेप्ट हिज स्टेटमेंट दैट सुपरनेचुरल बीइंग्स हैव कॉज्ड द डिस्टर्बेंस, उसका जो स्टेटमेंट है वो उसका ये स्टेटमेंट ये है कि सुपरनेचुरल थिंग्स की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है इस यूनिवर्स की, इसमें बात हो रही है। तो इसमें सही एक्चुअली ये होना चाहिए, बीइंग एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और इसके बाद एडजेक्टिव होता है एक्चुअली, इसके बाद सीधा नाउन हम लगाते हैं। तो बीइंग अ रियलिस्ट, रियलिस्ट होने के नाते मैं उसका स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो इसमें सही आंसर होगा बीइंग अ रियलिस्ट। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बीइंग अ रियलिस्ट इसमें सही आंसर आपका होगा। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो ही इज एबल टू मेक पॉलिटिकल एनिमीज विद हिज डिसीजन द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट माइंड डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर, इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। ऑल्दो ही इज लाइबल टू, यदि हम लगाते हैं टू मेक पॉलिटिकल एनिमीज विद दिस डिसीजन, देखिए लाइबल का मतलब क्या होता है, लाइबल का मतलब होता है कि एट द रिस्क ऑफ, मतलब इस चीज को करने से कुछ रिस्क रहेगी, आप क्रिटिसिज्म का आप सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर लाइबल टू लगाएं, ऑल्दो ही इज लाइबल टू मेक पॉलिटिकल एनिमीज विद दिस डिसीजन, ये उसने डिसीजन तो ले लिया है लेकिन इस डिसीजन की वजह से एक रिस्क है कि उसके पॉलिटिकल एनिमीज बन सकते हैं। ऑल्दो ही इज लाइबल टू मेक पॉलिटिकल एनिमीज विद दिस डिसीजन द प्राइम मिनिस्टर डजंट माइंड डूइंग के बाद हम ING फॉर्म ही लगाते हैं तो ये तो सही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे लाइबल टू, लाइबल के बाद हम टू लगाते हैं, लाइबल का मतलब होता है एट द रिस्क ऑफ, ठीक है, एट द रिस्क ऑफ फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम और सफरिंग, तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एनी वन ऑफ दीज टू आइडियाज विल बी यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, देखिए टू के लिए हम एनी वन नहीं लगाएंगे, दो से ज़्यादा के लिए, दो के लिए हम ईदर लगाते हैं, दो से ज़्यादा के लिए एनी लगाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में दो के लिए नीदर, दो से ज़्यादा के लिए नन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ईदर ऑफ दीज टू आइडियाज, ठीक है, तो दो के लिए हम ईदर लगाएंगे, इसमें दो आइडियाज हैं इसलिए ईदर लगाएंगे, एनी वन हम नहीं लगाएंगे, ईदर ऑफ दीज टू आइडियाज, ये सही होगा इसमें फेस। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आई हैव सीन श्याम्स प्रेजेंटेशन हु वॉज अ पीयर ऑफ माइंड, देखिए यहाँ पर ये जो हु है ये एक व्यक्ति के लिए आ सकता है लेकिन इसके बगल में जो वर्ड दिया है ये व्यक्ति नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बोलना चाहिए आपको आई हैव सीन प्रेजेंटेशन बाय श्याम, इस तरह का कुछ होना चाहिए, देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन बाय श्याम हु वॉज अ, हाँ कॉमा भी नहीं आएगा यहाँ पर, कॉमा जब आता है जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर हमें श्याम एक्चुअली कई सारे हो सकते हैं लेकिन आप किस श्याम की बात कर रहे हैं जो आपका पीयर था, इसलिए डिस्टिंग्विश करेंगे आप, कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पर, कॉमा नहीं लगेगा, प्रेजेंटेशन बाय श्याम हु वॉज ए, प्रेजेंटेशन बाय श्याम, अच्छा हु वॉज ए तक का रिप्लेसमेंट चाहिए, हाँ इसमें आपका आंसर होगा ये प्रेजेंटेशन बाय श्याम, क्योंकि हु के बगल में यहाँ पर एक ह्यूमन बींग होना चाहिए,
तो हु के बगल में यहाँ पर इसमें ह्यूमन बींग आ जाएगा और इसमें कॉमा नहीं आएगा क्योंकि श्याम कई सारे श्याम हो सकते हैं, तो श्याम को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है हु वॉज अ पीयर ऑफ माइंड, वो श्याम जो मेरा पीयर था, मेरा फ्रेंड था, ठीक है। तो कॉमा नहीं आएगा यहाँ पर, डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है यहाँ पर, इसलिए हम कॉमा नहीं लगाएंगे। बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, लता वॉज टू स्केर्ड टू गो होम, क्योंकि वो बहुत डार्क नाइट थी, तूफानी रात थी, इसलिए लता बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि अपने घर अकेली नहीं जाना चाहती थी। लता वॉज टू स्केर्ड टू गो होम, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं लता वॉज सो स्केर्ड दैट शी कुड नॉट गो होम अलोन, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो टू के बाद इसमें हम एडजेक्टिव लगाते हैं और टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये सही है। लता वॉज टू स्केर्ड टू गो होम, ये सही है कंस्ट्रक्शन और इसमें आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इस वीडियो क्लास में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे और ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप मुझे दे सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।